बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। जंगल में टुनटुनी और राम रहा करते थे, जो हरी सब्जियों की खेती किया करते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तो नहीं, पर ठीक ठाक चल रही थी। दोनों मिलकर खेत की अच्छे से देखभाल करते थे। कुछ दिन बाद सब्जियां तो लग गई हैं और देखो बैगन कितने अच्छे हुए हैं। हाँ टुनटुनी, बाकी सब्जियां भी जब हो जाएंगी तो इनको ले जाकर बेच दूंगा, जिससे हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी और हम खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। शाम हो चुकी थी, टुनटुनी रात का भोजन बना रही थी। देखो जी, घर में राशन खत्म हो गया है। आज का ही राशन बचा है, बस कल के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम चिंता ना करो, बैगन तो हो ही गए हैं, कल उनको ले जाकर बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे राशन ले आऊंगा। इसके बाद टुनटुनी और रामू कबूतर खाकर सो गए। रात को बहुत ही तेज आंधी और बारिश होने लगी, उनके खेत की सब्जियां नष्ट हो गई। बिजली के कड़कने की आवाज से टुनटुनी की आंख खुल जाती है और वो रामू कबूतर से बोलती है, अरे उठो, देखो मौसम बहुत खराब हो गया है, कहीं हमारी सब्जियां खराब ना हो जाएं। ये सुनकर रामू उठ जाता है। अरे नहीं, ऐसे मौसम में तो सब सब्जियां खराब हो जाएंगी, जाकर देखना पड़ेगा। जब राम खेत में जाकर देखता है, ये तो सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। अब क्या करूंगा मैं? कहां से कल के लिए राशन लेके आऊंगा? क्या बोलूंगा टुनटुनी से? इसके बाद रामू घर आकर टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी टुनटुनी, हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, हम बर्बाद हो गए टुनटुनी। भगवान, ये क्या हो गया? अब कल कहां से राशन आएगा? हम क्या खाएंगे कल? सुबह चलकर देखते हैं, शायद कुछ सब्जियां ठीक हो तो बेचकर राशन ले आऊंगा। अगली सुबह मौसम साफ हो गया, दोनों वहां देखते हैं पर कोई भी सब्जी उन्हें दिखाई नहीं देती। तभी टुनटुनी की नजर एक कद्दू पर पड़ती है। सारी सब्जियां तो नष्ट हो गई, बस एक ही कद्दू ही दिख रहा है, इसे बेचकर क्या ही कर लोगे? एक काम करते हैं, इसे ही ले चलकर आज बनाकर खाते हैं। रामू टुनटुनी के साथ कद्दू को लेकर घर आ जाता है और जब कद्दू काटता है तो उसमें से एक चिड़िया निकलती है। अरे चिड़िया, वो भी कद्दू में? कद्दू में चिड़िया, मतलब ये कोई असाधारण नहीं है टुनटुनी, इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ, इसे भूख लगी होगी। अपने घर तो दूध ही नहीं है, रुको मैं पड़ोस वाली जान की चाची से लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दूध लेने चली जाती है और थोड़ी देर बाद दूध लेकर चिड़िया को पिलाने लगती है। जैसे ही चिड़िया दूध पीती है, उसके पंख से सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है। अरे इस छोटी सी चिड़िया ने तो हमें अमीर बना दिया, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, हमें इस चिड़िया का पूरा ख्याल रखना होगा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते, और अब से हम दूसरे गरीब पक्षियों की मदद भी किया करेंगे। इसके बाद दोनों मिलकर गरीब पक्षियों को खाना खिलाते और जंगल के किसी भी पक्षी को भूखा नहीं छोड़ते थे। शुक्रिया टुनटुनी भोजन देने के लिए। ये तो हमारा फर्ज है कालू कौवा। इसके बाद टुनटुनी और रामू कबूतर की पूरी जिंदगी बदल गई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।